शहर की जीवन दायनीय शिवनाथ नदी में फैली पड़ी गंदगी के साथ ही नदी के घाट में खंडित प्रतिमाओं का हो रहा जमावड़ा, जिसे लेकर पंडित ने भी लोगों को बताई सच्चाई। नगर निगम द्वारा लगातार शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। वहीं शहर के लिए जीवन दायनी के रूप में पहचानी जाने वाली शिवनाथ नदी इन दिनों नगर निगम की अनदेखी के चलते अपनी पहचान खोती जा रही है। आप देख सकते हैं कि शिवनाथ नदी तट पर लगा कचरे का ढेर अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। साथ ही नदी में स्नान की जगह विसर्जन सामग्री के डाले जाने के कारण कोई भी व्यापक व्यवस्था अब तक नहीं की गई है, जिसका नतीजा इंटकवेल तक कचरा फैला रहता है। हालांकि कभी कभी किसी सामाजिक संगठनों द्वारा यहां साफ सफाई करी जाती है। इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है, जिससे यहाँ की तस्वीर इस तरह से देखने मिलती है। साथ ही इस नदी के घाट पर इन दिनों एक और समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। यहाँ पड़ी खंडित प्रतिमाओं और देवी देवताओं की फोटो भी घाट पर जमा होने लगी है और कुछ लोगों द्वारा तो इस खंडित प्रतिमाओं में भी पूजा अर्चना की जाती है, जो कि गलत है। इस बारे में पंडित शिशुराज ने न्यूज टीम को जानकारी दी। हिंदू शास्त्र के हिसाब से जो प्रतिमा खंडित होती है और जो प्रतिमा घर मंदिर से पुनः स्थापित और उनकी हटा दी जाती है, मृत्यु के समान मानी गई है। और जिस प्रकार से हम सावधान कर देते हैं, इसी प्रकार से इनके नियम है कि इसका गठन करते हैं और इसका विसर्जन किया जाता है और इसका प्रणाम भी करना अनुचित माना गया है, क्योंकि प्राण निकल गया उसके बाद क्या प्रणाम करना। इसलिए इनके ना तो इसका विसर्जन कर देना चाहिए और लोगों के पैरों में पड़ती है। लोग अपने घर की जो अपने घर को सुशोभित ना करके यहाँ मंदिर यहाँ रख दिए। और जिस प्रकार हम अपने घर को साफ सफाई करते हैं, नदी हमारी जीवन दायनी है, इस नदी की भी सफाई होनी चाहिए। और नदी की सफाई करते नहीं है और कुछ संगठन आते हैं और जो समाजसेवी संगठनों के द्वारा सफाई कर दी जाती है, परंतु प्रशासन के द्वारा इसकी सफाई नहीं की जाती और मलबा पूरा भरा हुआ है। बार बार हम लोग सफाई के लिए बोलते हैं, कभी कभार एक दो आ गए सफाई करके चल देते हैं। सफाई रोज होनी चाहिए, सफाई भी है। दूसरा, उस पार के बच्चे नहाते रहते। कल ही मैंने दो बच्चों को बचवाया है, दो बच्चे कल नदी में डूब गए थे। और इस प्रकार की रोज होती है और इसी तरह नदी की सफाई होना चाहिए और सफाई के साथ साथ यहाँ पर जो गंदगी है उसे हटाना चाहिए और जगह जगह जो मूर्तियाँ लगी हैं वो मूर्तियों को हटा के एक जगह विसर्जित करें। और पब्लिक को चाहिए कि यहाँ पर मंदिर है, मंदिरों में जाके वहाँ पूजा अर्चना करें, रोड में ना करें। दुर्ग शहर के जितने भी वासी हैं यहाँ पे विसर्जन करते हैं और विसर्जन करने के बाद जो भी प्रकचड़ा एक जगह जमा हो जाता है, ऐसी हालत पूरा सभी दुर्ग शहर में है, सभी तालाब में है। ये सब चीज़ को विशेष रूप से नगर निगम, नगर प्रशासन और शासन और दुर्ग शहर के सरकार, इनको सबको ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है लेकिन इसमें ऐसा कुछ देखने के मिलता ही नहीं है। दुर्ग शहर विकास के नाम से पूरा जर्जर है। रहने से न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।